गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल हिस्ट्री विथ मिस्ट्री। आज हम हिस्ट्री का चैप्टर द दिल्ली सल्तनत को कंटिन्यू करेंगे। हमारा आज का जो टॉपिक है वो है व्हाट मिन्हाज आई सिराज थॉट अबाउट द रज़िया। तो आइए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि जितने भी ऑथर हुआ करते थे तारिक और तारिक के, उन लोगों का मानना था कि रूलर को आइडियल सोशल मेंटेन करके रखना चाहिए, जो कि दो चीज़ों पर बेस्ड था। पहला था बर्थ राइट और दूसरा था जेंडर डिस्टिंक्शन। इसके अकॉर्डिंग मेन को ज़्यादा प्रायोरिटी जाता था एज टू फीमेल। तो आज हम जानेंगे कि जब रजिया दिल्ली की सुल्तान बनी तो वहाँ के लोगों का उनके बारे में क्या थॉट था। इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को रजिया सुल्तान और मिन्हाज आई सिराज के बारे में कुछ जानकारी देना चाहता हूँ। रजिया जो थी वो सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी थी। जैसे कि मैंने आपको प्रीवियस चैप्टर में बताया था कि दिल्ली सल्तनत से पहले वाले जो डायनेस्टी थी, जो कि थी तुर्किश डायनेस्टी या स्लेब डायनेस्टी, जिसमें कुतुबुद्दीन ऐबक, शमसुद्दीन, इल्तुतमिश हुआ करते थे, तो जो वे सुल्तान इल्तुतमिश थे उन्हीं की बेटी रजिया सुल्तान थी। रजिया दिल्ली की सुल्तान 1236 सेंचुरी में बनी। उन्होंने 4 साल तक दिल्ली पर रूल किया था और उनकी मृत्यु कुछ गुंडों के द्वारा कर दी गई थी। आइए अब हम मिन्हाज आई सिराज के बारे में जानते हैं। मिन्हाज आई सिराज जो थे वो मामलुक डेंसिटी के प्रिंसिपल हिस्टोरियन हुआ करते थे। उन्हीं के अंडर मामलुक डेंसिटी की हिस्ट्री लिखी गई थी। अब हम जानेंगे कि व्हाट मिन्हाज आई सिराज एक्चुअली थॉट अबाउट द रजिया सुल्तान। मिन्हाज आई सिराज का मानना था कि रजिया सुल्तान जो थी वो मोर एबल और क्वालिफाइड थी एज कंपेयर टू हर ओल्ड ब्रदर। मतलब जो रजिया सुल्तान थी वो अपने भाइयों के कंपेयर में बहुत ही ज़्यादा क्वालिफाइड और एबल थी। बट मिन्हाज आई सिराज जो थे वो इस पर कंफर्टेबल नहीं थे कि जो उनकी रूलर है वो क्वीन है। वो चाहते थे कि उनका रूलर जो हो वो हो किंग। अब मिन्हाज आई सिराज ऐसा क्यों सोचते थे कि उनके रूलर किंग होने चाहिए, आइए हम जानते हैं। मिन्हाज आई सिराज ऐसा इसलिए सोचते थे क्योंकि उनका मानना था कि भगवान के द्वारा जो आइडल सोशल ऑर्डर बनाया गया है जिसमें जेंडर डिस्टिंक्शन होना चाहिए। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, जेंडर डिस्टिंक्शन के अंतर्गत मेल को ज़्यादा प्रायोरिटी दिया जाता था। इसलिए मिन्हाज आई सिराज चाहते थे कि उनका जो रूलर हो वो किंग हो, ना कि क्वीन हो, ना ही इससे हमें यह पता चलता है कि जो पहले की सोसाइटी थी वो मेल डोमिनेटेड सोसाइटी थी। और यहाँ मिन्हाज आई सिराज ने जो जेंडर डिस्टिंक्शन के रिगार्डिंग जो भी ब्लेम थे वो इनडायरेक्टली और डायरेक्टली गॉड के ऊपर डाल दिए। अब मिन्हाज आई सिराज ने लिखा था कि इन द रजिस्टर ऑफ गॉड्स क्रिएशन सिंस हर अकाउंट डिड नॉट मैच द कोला मूवमेंट, हाउ डिड सी गेन फ्रॉम ऑल ऑफ हर एक्सीलेंस एंड क्वालिटी। इसका मतलब मैं आपको समझाता हूँ। मिन्हाज आई सिराज बोलते हैं कि भगवान ने जो रजिस्टर बनाया है उसमें रजिया का नाम मेन वाले कॉलम में ना होकर वुमेन वाले कॉलम में है, लेकिन भी वो उसके पास इतनी अच्छी क्वालिटी कैसे आ सकती है। मैं आपको बता दूँ कि रजिया सुल्तान अकेली वुमेन रूलर नहीं थी, उनके बाद ही बहुत सारी वुमेन रूलरों ने डिफरेंट डिफरेंट जगह रूल किया, जिसमें से कुछ थे रुद्रमादेवी, जिन्होंने 1262 से लेकर 1289 तक रिसेंटली जो भी उत्तर प्रदेश है उसमें रूल किया था। वो एक फीमेल रूलर थी बट वो अपने आप को एज अ मेल रूलर जैसे दिखाती थी। उन्होंने अपने डेंसिटी के इंस्क्रिप्शन में अपने आप को एज अ मेल दिखाया है। दूसरा जो स्टोरी है वो है स्टोरी ऑफ दिद्दा। जैसे कि आप लोग को नेम से ही पता चल रहा होगा दिद्दा, जो कि ओरिजिनेट हुआ है दीदी से। दीदी बोल ऐसे हम अपनी सिस्टर, बड़ी सिस्टर को बोलते हैं, जो कि एक्चुअली फीमेल है।
लेकिन यहाँ दिद्दा जो थी वो भी अपने आप को एज अ मेल प्रायोरिटी देती थी।